आज के वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस कैश क्यों होल्ड करता है, दैट इज मोटिव्स फॉर होल्डिंग कैश। तीन मोटिव्स होते हैं जैसे कि अभी आपको दिख रहे हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव और स्पेकुलेटिव मोटिव। हम ये तीनों मोटिव्स को अभी डिटेल में समझते हैं। तो पहला मोटिव होता है ट्रांजैक्शन मोटिव। देखिए ऐसा है कि बिजनेस में रोज के रोज कुछ ना कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, रोज के रोज ट्रांजैक्शंस होते हैं, कैश इनफ्लो भी होता है, कैश आउटफ्लो भी होता है। लेकिन कैश इनफ्लो कब होगा और कब कैश आउटफ्लो की जरूरत पड़ जाएगी ये फिक्स नहीं होता। तो हर एक बिजनेस को अपने हाथ में कुछ कैश रखना पड़ता है एज ए रिजर्व के फॉर्म में, कि इनफ्लो नहीं भी आया तो भी उसका आउटफ्लो रुकना नहीं चाहिए। तो हमेशा बिजनेस अपने हाथ में कैश रखेगा ताकि उसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, उसकी जो वॉल्यूम है ट्रांजेक्शन्स की, वो कभी कम ना हो, उसका जो रोटेशन है वो कभी रुक ना जाए। तो वो लिखा हुआ है, दिस मोटिव रिफर्स टू होल्डिंग कैश इन ऑर्डर टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस में कैश ऑन हैंड रखना बहुत जरूरी है। सिंस द टाइमिंग ऑफ कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो डिफर सिग्निफिकेंटली। अभी हमने आपको समझाया कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का टाइमिंग कभी सेम नहीं होता। हो सकता है कैश इनफ्लो भी बहुत सारा आ रहा है, आउटफ्लो नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है इनफ्लो नहीं आ रहा लेकिन आउटफ्लो तो रेगुलर बेसिस पे जा ही रहा है। दैट इज खर्चे तो हो ही रहे हैं, एक्सपेंसेस तो हो ही रहे हैं, सैलरी तो देनी ही पड़ती है स्टाफ को, जो बिजनेस को रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो तो करने ही पड़ते हैं, तो उसके लिए कैश बहुत जरूरी है। इसलिए बोला है अ मिनिमम कैश बैलेंस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हमेशा एक मिनिमम कैश बैलेंस तो हाथ में रखना ही पड़ता है। इनफ्लोज एंड आउटफ्लो कैश डू नॉट परफेक्टली कोइंसाइड, क्योंकि इनफ्लो और आउटफ्लो कभी भी कोइंसाइड नहीं करते। कभी इनफ्लोज ज्यादा होते हैं, कभी आउटफ्लोज ज्यादा होते हैं। इनफ्लोज ज्यादा होते हैं तब तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जब आउटफ्लोज ज्यादा होते हैं तो मिनिमम कैश बैलेंस हाथ में होना बहुत जरूरी है ताकि ट्रांजेक्शन्स रुक ना जाए। दूसरा रीजन भी होता है, फर्म इन्वेस्ट कर सकती है सरप्लस कैश इन सिक्योरिटीज। और कई बार इनफ्लो ज़्यादा हो जाते हैं, आपके बिजनेस को लगता है कि हाँ भाई इनफ कैश पड़ा हुआ है, तो वो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी को इन्वेस्ट भी कर सकती है। थर्ड, सम फर्म कीप कैश ऑन हैंड टू मीट सम एंटीसिपेटेड पेमेंट्स। कई बार ऐसा होता है एंटीसिपेटेड और अनएंटीसिपेटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा बिजनेस का फ्लो रुकना नहीं चाहिए, इसलिए भी कैश जरूरी है। और लास्ट में एनुअल पेमेंट तो करने रहते हैं, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि बिजनेस रनिंग एक्सपेंसिस के लिए कैश ऑन हैंड होना जरूरी है। तो ये कौन सा मोटिव था? ट्रांजेक्शन मोटिव, जो जरूरी है बिजनेस को चलते रहने के लिए, या बिजनेस की गाड़ी हमेशा चलती रहे उसके लिए जो मोटिव होता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन मोटिव। दूसरा आता है प्रिकॉशनरी मोटिव। देखिए ऐसा है कि फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, तो बिजनेस में भी अनसर्टेनिटी होती है। अचानक से कोई ऐसा खर्चा आ गया जिसको हमने एंटीसिपेट नहीं किया था, या जिसको बिजनेस ने एंटीसिपेट नहीं किया था, प्रिडिक्ट नहीं किया था, ऐसे खर्चों के लिए भी हमारे पास कैश या बिजनेस के पास कैश होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ, देखिए, मेंटेनिंग अ कैश बैलेंस टू मीट अनएक्सपेक्टेड कंटिजेंसीज विच मे अराइज एज रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टेंसेज सच एज फ्लड, स्ट्राइक्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। मतलब कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई और अचानक से फंड्स की जरूरत पड़ गई, तो हम लोग अपने सेविंग्स को तोड़ेंगे नहीं, या फिर हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स को नहीं तोड़ेंगे। हाथ में कैश होगा तो बहुत ईजी पड़ेगा। तो अनएक्सपेक्टेड अनकंट्रोलेबल एक्सपेंसिस के लिए या अनकंट्रोलेबल सिचुएशंस के लिए भी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है, ऐसे मोटिव को हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। दैट इज हमेशा प्रिकॉशन रखते हैं कि कल को क्या होने वाला हमको नहीं पता, उसके लिए एक सेफ्टी कुशन हमेशा होना चाहिए। तो ऐसे मोटिव को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिकॉशनरी मोटिव। तो ये सेकंड मोटिव हो गया कि क्यों बिजनेस हाथ में कैश रखेगा। थर्ड आता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्युलेटिव? देखिए ऐसा होता है कि बिजनेस में हमेशा कभी ना कभी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हमको ऐसा लगता है कि अचानक से प्राइस ड्रॉप हो गया तो चलो एक काम करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एक साथ करते हैं या बहुत सारे रॉ मटेरियल एक साथ खरीद लेते हैं। तो हम लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बेसिस पे आज हमको पैसों की ज्यादा या कम जरूरत पड़ सकती है। अगर हमको लगता है फ्यूचर में भाव बढ़ने वाले हैं तो हम लोग ज्यादा परचेसिंग अभी कर लेंगे। हमको लगता है फ्यूचर में भाव कम होने वाले हैं तो हम लोग थोड़ा सा परचेस करेंगे अभी की रिक्वायरमेंट ताकि फुलफिल हो जाए, फ्यूचर में बाद में क्वांटिटी में परचेस कर लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्युलेट करना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होने वाली है। जैसे बजट आने वाला है तो हमको लगता है कि बजट हमारे फेवर में भी आ सकता है, हमारे अगेंस्ट में भी आ सकता है, हमारे इन द सेंस बिजनेस के। तो अगर लगता है कि बिजनेस के अगेंस्ट में आने वाला है तो अभी हम लोग जो सिचुएशन हमारे फेवर में है उसके अकॉर्डिंगली परचेस कर लेंगे। और अगर आपको लगता है कि बजट हमारे फेवर में आएगा तो रुक जाएंगे कि जब सिचुएशन अच्छी होगी तब हम लोग खरीद लेंगे। तो इन एनी केस हमारे हाथ में कैश होना जरूरी है ताकि हम लोग अगर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से फायदा उठाना चाहते हैं तो बिजनेस के लिए फायदा उठा सके, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। और इस मोटिव को बोलते हैं स्पेक्युलेट करना, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको सोचना। तो वो लिखा है, इट रिफर्स टू डिजायर टू कीप कैश टू टेक एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज। फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज क्या आने वाली है वो हमको नहीं पता, लेकिन उसके लिए तैयार रहना है वो हमको पता है। इस मोटिव को क्या बोलते हैं? स्पेक्युलेटिव मोटिव।
जैसे एग्जांपल दिए हुए हैं, परचेसिंग रॉ मटेरियल एट रिड्यूस प्राइसेस बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ कैश डिस्काउंट। अगर हमको कैश डिस्काउंट चाहिए तो अभी हम लोग एक साथ पेमेंट दे के सस्ते में मटेरियल खरीद सकते हैं, तो ये क्या हो गया, स्पेकुलेटिव मोटिव। इन द सेम वे स्पेकुलेशन ऑन इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स और फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स क्या होगा उसको स्पेकुलेट करके भी हम लोग हाथ में कैश रखते हैं ताकि अभी या फ्यूचर में हम लोग उसका एडवांटेज ले सके। सिंपल है। तो ये तीन मोटिव्स थे, हाथ में हमेशा बिजनेस कैश क्यों रखता है, पहला ट्रांजेक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव और तीसरा स्पेकुलेटिव मोटिव। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे वीडियोस आपको काम आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब एक छोटा सा बटन है, बट हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो रोज एक वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, उनके लिए ये सब्सक्राइब का बटन और शेयर का बटन बहुत इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कोई डाउट हो तो, ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।